गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, हेयर इज लेसन टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। दिस फैक्ट्री इज नॉट लाइक अ मिल, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सो हेयर वी स्टार्ट द लेसन। एवरी लिविंग थिंग नीड्स फूड, सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज स्टडिंग, प्लेइंग एंड वर्किंग। आप जानते हैं कि आपको डेली लाइफ में ये सब करना होता है, एक्टिविटीज़, स्टडिंग, प्लेइंग एंड वर्किंग, तो इसके लिए आपको एनर्जी गेन करनी होती है। सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड, तो कुछ तो लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद बनाती हैं, एंड अदर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और कुछ कुछ अपने फूड के लिए और सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ओन मीन अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, तो ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, और जो औरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉफ्स, आप लोग भी जैसे ह्यूमन बींग हम हैं, तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। एनिमल्स भी ग्रास खाते हैं या अदर्स पर डिपेंड करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। इन प्लांट्स द लीफ हेल्प्स टू मेक फूड, और प्लांट्स में कौन सा पार्ट होता है जो उनके फूड बनाने में हेल्प करता है? लीफ, जो पत्ती होती है उसकी। तो आज हम इसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ अ लीफ क्या करते हैं, प्लांट की फूड बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? ऑब्जर्व द लीफ ऑफ अ रोज़ प्लांट और अ पीपल ट्री क्लोजली। आप इसको देख रहे हैं, ये लीफ का पार्ट है। द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ वैक्सी कोटिंग। ये किससे कवर्ड होता है? वैक्सी कोटिंग से। दिस कोटिंग प्रोटेक्ट्स अ लीफ एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। ये जो कोटिंग होती है, जो इसकी कवरिंग होती है, ये इसे किससे बचाती है? प्रोटेक्ट्स मीन बचाना, लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर की कमी नहीं हो। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। द टिप ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स, और जो टिप होती है, जो नोक आप बोलते हैं, टिप क्या होती है? ये वाली पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स। द अपर एंड लोअर साइड ऑफ अ लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। आप देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है कलर में। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क इन कलर वाइल द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट। तो अपर साइड, जो ऊपर का साइड हम बोलते हैं उसे, वो स्मूथ, सीधा होता है एंड डार्क इन कलर होता है। और जो पीछे वाला होता है, आप उसको उल्टी साइड भी बोलते हैं, वो दैट इज रफ एंड लाइट शेड। देर इज़ अ थिन ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ। आप ये देख रहे हैं, ये ट्यूब रन करती है। दिस इज़ कॉल्ड द मिड रिब। ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। और मेन वेन, मेन जो वेन होती है। सम अदर स्मॉल ट्यूब्स दैट आर अटैच टू द मिड रिब आर कॉल्ड साइड वेन्स। वेन्स, जैसे हमारे हैंड में भी वेन्स होती हैं, ये नसें होती हैं, ये सब, तो ऐसे ही लीफ की भी ये वेन्स होती हैं। तो ये है मिड रिब एंड ये है साइड वेन्स, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, नसों को जैसे हम हैंड्स में बोलते हैं, ये लीफ के पार्ट्स हैं। दिस वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर। इन वेन्स से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, लाइक हम ट्रैक वगैरह यूज़ करते हैं, तो प्लांट में किससे लीफ जाता है वाटर? ऐसे वेन्स के थ्रू जाता है। मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये सब क्या करती हैं? वेन्स सप्लाई करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं किस किस को? वाटर, मिनरल्स एंड फूड को। कहाँ पर? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, तो इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या क्या करती हैं? वाटर, मिनरल्स एंड फूड। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ ब्लेड एंड हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द लीफ। और शेप भी मेंटेन करती हैं लीफ की। द अंडर साइड ऑफ अ लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो इसकी अंदर की साइड होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। दीज पोर्स आर, और सिंगल स्टोमेटा, ये बहुत सारे स्टोमेटा हैं, मैनी को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। और कोई सिंगल वन है तो उसे स्टोमा बोलेंगे।
दीज पोर्स पोर्स होते हैं छेद आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी विद दैम अनएडिड आइज. तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे हम नॉर्मली अपनी आइज से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर रिलीज. आप सब जानते ही होंगे कि प्लांट्स कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा. और कौन सा पार्ट इनका रिलीज करता है, स्टोमेटा. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, तो प्लांट्स कैसे अपने फूड को बनाते हैं. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. तो फूड बनाने के लिए हम जैसे बोलते हैं हेल्दी प्लांट कब होता है, जब उसे प्रॉपर एयर एंड वाटर मिलता है सॉइल से. द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, लेता है. ग्रीन लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और किसकी एनर्जी को यूज़ करती है, सनलाइट को. सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, उससे क्या बनाते हैं अपना फूड. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये प्रोसेस सब किस में बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो आप धूप बोलते हैं उसे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को, फोटो मीन्स लाइट, जब आप पिक लेते हैं कोई तो उसमें भी लाइट की नीड होती है, तो तभी फोटो आता है. और यहाँ पर जब प्रोसेस चलता है तो यह सनलाइट से स्टार्ट होता है. एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग और पुटिंग टुगेदर. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना या फिर इकट्ठा करना. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू ब्रीद. इससे ऑक्सीजन में से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इससे ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं. प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स. तो प्लांट्स जो हैं उस फूड को किस रूप में करते हैं, लीव्स में स्टोर, स्टार्च के रूप में. सो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप CO2 भी बोलते हैं, वाटर H2O, तो सनलाइट से एनर्जी लेके क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए ये एयर को प्योरीफाई भी करते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.